ऋषि बोले, हे राजन, सभी देवता जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आईं। उस समय सुंदर भुवों वाली पार्वती जी ने देवताओं से पूछा कि तुम लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। तब उनके शरीर कोष से प्रकट होकर शिवा बोली, ये देवता तो शुंभ निशुंभ दैत्य से सताए हुए एवं संग्राम में निशुंभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती के शरीर कोष से श्री अंबिका जी का प्राकट्य हुआ, इसी कारण सारे संसार में कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, श्री पार्वती रूप में काली हो गईं, अतः हिमालय में रहने वाली काली का नाम विख्यात हुआ। उसके अनंतर शुभ निशुंभ के सेवक चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखा, जो उस समय परम सुंदर रूप धारण कर रही थी। उन दोनों ने शुंभ दैत्य को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है, वैसी उत्तम परम सुंदर रूप किसी को भी कहीं न देखा होगा। हे असुरराज, वह देवी कौन होगी, इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण कीजिए। वह स्त्री क्या है, रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर हैं, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह तो बैठी हुई है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए, ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुंभ ने महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उससे इस प्रकार कहना और इस प्रकार उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र ही यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां पर ही देवी बैठी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुंभ तीनों लोकों में परमेश्वर है, मैं उसका दूत हूँ, मुझे उसने आपके पास भेजा है। मैं वहाँ जो उसकी आज्ञा ना मानता तो उसे परास्त कर देता हूँ। उसने सभी देवता परास्त कर दिए हैं। अब आपके लिए जो संदेश है वह सुनिए। उसने कहा, सारी त्रिलोकी मेरी हो चुकी है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोकी भर के उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। इंद्र के श्रेष्ठ वाहन एरावत हाथी को मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र में से उत्पन्न उच्च श्रवा नाम का अश्व रतन प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है, तथा और भी जितने देव गंधर्व एवं नागों के पास रतन रूप वस्तुएं थी, वे सबकी सब हे सुंदरी मेरी हो चुकी हैं। हे देवी, अब हम तुमको स्त्रियों की रतन मान रहे हैं, इस कारण अब आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रत्नों के भोक्ता हैं। अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे पराक्रमी भ्राता निशुंभ को इन दोनों में से किसी को वर लो, रतन रूप हो, मेरे साथ विवाह कर लेने से तुम्हें अतुल ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा, ये अपनी बुद्धि के द्वारा सोच लो, फिर मेरे साथ विवाह कर लो। ऋषि बोले, जब इस प्रकार दूत ने देवी से कहा, तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी तो गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या कुछ भी नहीं। इसमें संदेह नहीं कि शुंभ त्रिलोकी का स्वामी है और निशुंभ भी वैसा ही है, किंतु मैंने प्रतिज्ञा की हुई है, उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीत ले एवं मेरा अभिमान तोड़ दे और संसार में मेरे समान बलशाली हो, वही मेरा भर्ता हो सकता है। शुंभ आए अथवा महाअसुर निशुंभ आ जाए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से पानी ग्रहण करे। दूत बोला, हे देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। भला कहीं त्रिलोकी में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ का सामना कर सके। सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं है कि शुंभ बलवान और निशुंभ भी पराक्रमी है, पर मैं क्या करूं। प्रतिज्ञा करने से पहले ये बात मैंने नहीं सोची थी। अब तुम जाकर असुर राज को मेरी यही बात कह दो, फिर उसे जो उचित दिखाई दे वही करें।